जिसके पीछे 100 सिर, 100 सामंत, वतन और वचन के लिए सिर कटाने को तैयार हो, वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान होता है। कहीं और नहीं, अगर हम दिल्ली के खजाने को लूट लें तो हमारा मुल्क सोने की चिड़िया कहलाएगा। पृथ्वीराज चौहान, तीर चलाओ। कौन सी दो बायोपिक्स होंगी आमने सामने, किस एक्शन सितारे की फिल्म मारेगी बाजी? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। यशराज बैनर की अपकमिंग फिल्म पृथ्वीराज एक ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, मानुषी छिल्लर, संजय दत्त और सोनू सूद हमें लीड रोल में दिखाई देंगे। इस फिल्म को चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म 10 जून को रिलीज की जाने वाली थी, लेकिन मेकर्स की माने तो फिल्म की रिलीजिंग डेट को प्रीपोन कर दिया गया। अब ये फिल्म 3 जून को सिनेमा घरों में दिखाई देगी। नई खबर ये भी आ रही है कि बोनी कपूर के निर्देशन में बनी फिल्म मैदान भी 3 जून को रिलीज होने वाली है। ऐसे में ये दोनों फिल्म आपस में क्लैश हो सकती है। आपको बता दें कि फिल्म मैदान के निर्देशक बोनी कपूर और पृथ्वीराज के निर्देशक आदित्य चोपड़ा ने आपसी सहमति से तारीख को चुना है। अजय देवगन की मैदान फिल्म की लेट रिलीज होने का कारण ये है कि वो अजय देवगन की फिल्म रनवे 34 के 1 महीने बाद रिलीज नहीं करना चाहते, क्योंकि इससे अजय देवगन की 2 फिल्में बैक टू बैक थिएटर पर हिट करेंगी। इस बीच अजय देवगन को आखिरी बार फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में देखा गया था, जिसमें उन्होंने एक खास किरदार प्ले किया था। इसके बाद अजय देवगन हमें फिल्म रनवे 34 में दिखाई देंगे, फिल्म अमिताभ बच्चन और रकुल प्रीत सिंह के साथ। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म पृथ्वीराज और मैदान दोनों ही रियल लाइफ पर बेस्ड है, जहां अक्षय कुमार बहादुर राजा पृथ्वीराज चौहान का किरदार निभा रहे हैं, वहीं अजय देवगन का किरदार सैयद अब्दुल रहीम, जो 1950 से 1963 तक भारतीय फुटबॉल कोच रहे और भारतीय राष्ट्रीय टीम के मैनेजर थे। ऐसे में ये दोनों फिल्में बड़े पर्दे पर आने वाली हैं और दोनों ही फिल्मों की डेट सेम होने के कारण इन दोनों ही फिल्मों की कमाई पर असर पड़ेगा, क्योंकि लोग 2 भाग में बंट जाएंगे, जिसमें कुछ लोग अजय की मैदान देखने जाएंगे और कुछ लोग अक्षय की पृथ्वीराज देखने। अगर बात करें फिल्म पृथ्वीराज की, तो इस फिल्म में बड़े सितारे जैसे संजय दत्त, अक्षय कुमार, मानुषी छिल्लर, आशुतोष राणा और सोनू सूद जैसे कलाकार मौजूद हैं। वहीं फिल्म मैदान में हमें सिर्फ अजय देवगन दिखाई देंगे और बाकी के कलाकार इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल्स में होंगे। पृथ्वीराज कई भाषाओं में बनेगी, जैसे तेलुगु, तमिल, हिंदी और मलयालम। वहीं फिल्म मैदान हमें हिंदी और बंगाली भाषा में देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि फिल्म मैदान में अजय देवगन एक फुटबॉल कोच बने हैं, जो कि एक बंगाली हैं और वैसे भी फुटबॉल बंगाल का हब माना जाता है। तो ऐसे में ये फिल्म बंगाल में भी चल सकती है, लेकिन पृथ्वीराज फिल्म एक पैन इंडिया फिल्म होने के कारण मैदान पर भारी पड़ सकती है। ऐसे में पृथ्वीराज फिल्म ज्यादा भाषा में देखने को मिलेगी तो इसको ज्यादा ऑडियंस देख पाएगी। हाल ही में अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी भी हिट गई थी, जिसे देखते हुए ये लग रहा है कि ये फिल्म भी लोगों को काफी पसंद आएगी। लेकिन बात करें अजय देवगन की, तो उनकी हाल ही में आई फिल्म भुज ने कुछ खास कमाल नहीं दिखाया। उसके बाद अजय हमें फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में एक गैंगस्टर के रूप में थोड़े समय के लिए दिखाए दिए, जो ऑडियंस पहले ही वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में देख चुकी है। तो ऐसे में तो अब यही लग रहा है कि अक्षय की पृथ्वीराज अजय के मैदान पर बढ़ेगी भारी। हमारी ये रिपोर्ट कितनी सही है ये तो फिल्म के आने पर ही पता चलेगा। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राड स्टूडियोज़।